दिवाली के खास त्योहार के मौके पर बोरीवली और दहिसर की जनता के लिए पूर्व नगर सेवक भास्कर कुरसंगे भी एक खास सौगात लेकर आए हैं। महंगाई के इस दौर में जब लोगों को त्योहारों में एक एक रुपया खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, ऐसे समय में अपनी जनता को राहत देने के लिए पूर्व नगर सेवक भास्कर कुरसंगे एक खास पैकेज के साथ आगे आए हैं। दिवाली के ठीक पहले कार्य सम्राट आमदार प्रकाश सुबे के मार्गदर्शन में भास्कर कुरसंगे द्वारा बोरीवली के काजूपाड़ा इलाके में सिर्फ 5 रुपए की मामूली रकम में 2 किलो शक्कर का वितरण किया गया। जहां बाजार में इस समय शक्कर की कीमत प्रति किलो 40 रुपए के पार है, वहीं जनता को 2 किलो शक्कर सिर्फ 5 रुपए में वितरित कर उन्होंने जनता को बड़ी राहत दी, जिसको लेकर आम जनता काफी खुश और उत्साहित नजर आई। हे जे काही 5 रुपये किलोने 2 किलो साखर दिली गेली आहे, ते गरिबांचा त्याच्यामुळे बराच फायदा झाला आहे। त्यासाठी प्रकाशदादा सुर्वे आणि भास्कर कुरसंगे यांचे म्हणजे मनापासून आम्ही आभारी आहोत। हा असंच घर केलं, गरीब गोरगरिबांना चांगलं आहे। थँक्यू। 11 गोरगरिबांचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी लोकांसाठी आज जे मार्केटमध्ये 40 रुपये भाव आहे, पण आमदार गोरगरिबांची जी सेवा करतात त्यांनी 5 रुपये 2 किलो साखर अशी ठेवलेली आहे। आणि माजी नगरसेवक भास्कर कुसुंगे त्यांनी पण त्यांना गोरगरिबांची सेवा करणं हेच त्यांचं कर्तव्य आहे। आणि आपल्या रिद्धी नगरसेविका रिद्धी भास्कर कुरसुंगे प्रभात समिती अध्यक्ष यांचं पण तेच म्हणणं आहे की आज जे शाखा प्रमुख किंवा कोणी असू दे, पण आज लोकांची महागाईबद्दल जी आहे तर त्यांनी स्वस्त दरात त्यांना दिवाळीची एक भेट म्हणून दिलेली आमदारांनी। शाखा क्रमांक 11 यांच्या वतीने आमदार प्रकाशदादा सुर्वे यांनी गोरगरिबांसाठी बाजारामध्ये 40 रुपये साखर असल्यामुळे गोरगरिबांसाठी 5 रुपये 2 किलो याप्रमाणे साखर देण्यात आली आहे। भास्करदादा कुरसंगे नगरसेविका रिद्धी कुरसंगे यांनी सुद्धा गोरगरिबांना साखर वाटप करण्यात आलेलं आहे। धन्यवाद। सुर्वे दादांनी आम्हाला 5 रुपये 2 किलो साखर दिल्याबद्दल त्यांचं कोटी कोटी धन्यवाद। आमदार प्रकाशदादा सुर्वे आणि भास्कर कुरसुंगे यांनी आम्हाला दिवाळीनिमित्त 5 रुपयात 2 किलो साखर दिली, त्याच्याबद्दल धन्यवाद। भास्कर कुरसुंगे 2 किलो शक्कर दिया उनका शुक्रिया, ऐसी वो गोरगरीबों की सेवा करते हैं। वेरी थैंक ग्रेटफुल टू मिसेस रिद्धि भास्कर कुरसुंगे आर कॉर्पोरेटर हु हैज गिवन अस अ शुगर एट अ वेरी लो कॉस्ट विच इज 5 रुपीज फॉर 2 kg। वी आर वेरी ग्रेटफुल बिकॉज वी आर वेरी पुअर पीपल फ्रॉम दिस एरिया हु आर गेटिंग ऑल दिस शुगर एंड दिस सो दैट वी कैन ऑल्सो सेलिब्रेट दिवाली एट आर होम एंड ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम दिस एरिया इज ऑल्सो ग्रेटफुल। वी विल ऑलवेज वोट फॉर हर। थैंक यू सो मच। शिवसेना हमेशा से राजनीति से ज्यादा समाज सेवा को तरजीह देती रही है और उसी को अमल में लाते हुए दिवाली के मौके पर ये खास आयोजन किया गया। दिवाली पर चाहे मिठाई बनानी हो या घर के पकवान, शक्कर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए सस्ते दामों में ये वितरण किया गया, जिसमें खास तौर पर विभाग प्रमुख और विधायक विलास पोतनीस और आमदार प्रकाश सुर्वे मौजूद रहे, जिनके हाथों ये वितरण किया गया। लोग महंगाई से बड़े त्रस्त है, नोटबंदी हुई, उसके बाद GST आया, उसके बाद पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, इसके लिए लोग बहुत त्रस्त हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। आज पेट्रोल के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं, गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये में मिलता था आज 850 रुपया हो गया है, दाल 40 रुपये में 60 रुपये में मिलती थी आज 140 रुपया हो गई है, और महिला भगिनी हमारे बड़ी त्रस्त हो गई है। और अभी त्यौहार के ऊपर त्यौहार है, अभी दिवाली आई है, तो इस दिवाली में लोगों को दिलासा देने के लिए मेरा झोपड़पट्टी विभाग होने के कारण उनके ऊपर उनका भार कम करने के लिए, दिवाली की शुभेच्छा देने के लिए, खाली हाथों से शुभेच्छा देने से अच्छा कुछ तो देके शुभेच्छा कर देना चाहिए, इसके लिए मैंने 5 रुपये में 2 किलो साखर और जो 5 रुपये का उसमें भी ज्येष्ठ नागरिकों का आँखों का ऑपरेशन किया जाएगा। ऐसा भी हम लोग ऑपरेशन करते ही है, फिर भी और उसमें बढ़ोतरी करेंगे, हर महीने 10 करते तो अभी इससे आगे ज़्यादा करेंगे, इसके लिए हम दिवाली की शुभेच्छा देने के लिए 5 रुपये में 2 किलो साखर दें। बहुत सारे नेता होते हैं, दिवाली आती है तभी, अभी इलेक्शन आया है तो कुछ करना चाहते हैं, हम लगातार 7 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज एक बार पहली बार नहीं गया, लगातार 7 साल से हम कार्यक्रम देते, बारिश आता है तो छाता बांटते हैं, स्कूल के दिन आते तो किताबें नोटबुक ये सब बांटते हैं, हमेशा जैसा जैसा सीजन आता है वैसा वैसा लोगों को कुछ ना कुछ हम देना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज या ठिकाणी माननीय आमदार प्रकाशदादा सुर्वे यांच्या माध्यमातून 5 रुपयांमध्ये 2 किलो साखरचे वाटप सुरू आहे। या महागाईच्या काळामध्ये सुद्धा शिवसेना पक्षाच्या धोरणाप्रमाणे 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण या धरतीवर आमदार साहेबांनी 5 रुपयांमध्ये 2 किलो साखरेचं वाटप गोरगरीब नागरिकांसाठी सुरू केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे स्वस्त दरात फटाके सुद्धा या ठिकाणी उद्यापासून मिळणार आहेत नागरिकांना। तसेच प्रत्येकाच्या घरी जाऊन रांगोळी बघून त्या ठिकाणी रांगोळीचं सुद्धा प्रदर्शन आणि बक्षीस हे दोन्हीचं आयोजन आमदार साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी नगरसेविका समृद्धी भास्कर कुरतंगे यांच्या वतीने दिवाळीचा भरगच्च कार्यक्रम विभागातील नागरिकांसाठी आयोजित केलेला आहे। याचं मुख्य कारण एकच आहे की एवढी अतोनात महागाई करूनसुद्धा पेट्रोल डिझेलचे भाव दरवाढ, गॅसचे दरवाढ, सर्व अन्नपदार्थाचे दरवाढ करूनसुद्धा शिवसेना पक्ष असे विविध समाजोपयोगी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांची दिवाळी आनंदाची सुखाची जावो ह्यासाठीच आली माझ्या घरी दिवाळी ह्या म्हणीनुसार गोरगरिबांच्या घरी दिवाळी व्हावी हा एकमेव उद्देश आमदार साहेबांचा यामागचा आहे। आणि आजच नाही तर प्रत्येक वर्षी जवळजवळ मागच्या 15 वर्षापासून आमदार प्रकाशदादा सुर्वे आणि समृद्धी खुरसंगे यांच्या माध्यमातून हे कार्यक्रम घेतले जातात। आणि आम्ही हा संदेश देऊ इच्छितो की दिवाळी सर्वांच्या घरी सुखाची आणि आनंदाची हो। सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दो दिनों तक चले इस वितरण कार्यक्रम में कई जगहों पर स्टॉल लगाकर जनता को सस्ते या कहे मामूली दामों पर शक्कर मुहैया कराई गई, जिससे जनता को बड़े हद तक राहत मिली और शानदार और जानदार दिवाली मनाने में मदद मिली।